वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। आज हम बात करेंगे चुंबक व उसके गुण पर। इससे पहले हम बात करेंगे जो जनरल साइंस के अंदर जो मेरा पार्ट टू वीडियो है उसके अंदर थोड़ी सी वॉइस मिस्टेक हो गई थी। मैंने क्या किया था, प्रतिरोध की जगह क्या ले लिया था, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। क्या दे रखा है, एक तार की लंबाई एल मीटर है। एक तार है जिसकी लंबाई एल है। तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना किया जाता है, यानी कि इसकी लंबाई को दोगुना किया जाता है। तो L लंबाई का जो तार है उसका हम प्रतिरोध मान लेते हैं R1, और जो 2L लंबाई का तार है उसका हम प्रतिरोध मान लेते हैं R2। तो लंबाई के रूप में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रो L यहाँ लंबाई, A यहाँ क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल है वो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट। A बराबर क्या है, कॉन्स्टेंट। ओके, तो R2 क्या आ जाएगा, R2 बराबर रो लंबाई क्या है, 2L बाई ए। तो R2 का मान क्या आ जाएगा, R2 बराबर 2 रो L बाई ए। रो L बाई क्या है, R1। तो हम R2 और R1 में रिलेशन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, R2 बराबर 2R1। जो R2 है वो पहले प्रतिरोध की तुलना में क्या है, दुगना। यानी कि जो दूसरे तार का जो प्रतिरोध है वो पहले की तुलना में क्या है, दुगना। यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, दुगना, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी में भी एक थोड़ी सी वॉइस मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्या कहा था, ओम की जगह क्या वोल्ट यूज में ले लिया था। तो इस क्वेश्चन को भी हम दोबारा देखते हैं। क्या दे रखा है, एक चालक का प्रतिरोध क्या है, आर बराबर क्या दे रखा है, 440 ओम। इससे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं, यानी कि वी बराबर क्या दे रखा है, 110 वोल्ट। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। हमें R दे रखा है, V दे रखा है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R। हमें धारा का मान ज्ञात करना है, तो R का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, 440 ओम, और V का मान 110 वोल्ट। तो I बराबर क्या आ जाएगा, 110 वोल्ट और प्रतिरोध 440 ओम। तो क्या आ जाएगा, 1/4। 1/4 का मान क्या होता है, आई बराबर क्या आ जाएगा, 0.25 एम्पियर। तो धारा का मान क्या आ जाएगा, 0.25 एम्पियर। तो 0.25 किस ऑप्शन में दे रखा है, इसके सेकंड ऑप्शन में। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं चुंबक व उसके गुण। तो हम टॉपिक लेते हैं क्या, चुंबक व उसके गुण। तो पहले हम देखते हैं चुंबक क्या होती है। चुंबक होती है वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे तथा उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक की अनुपस्थिति में तो वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। यानी कि जो चुंबक है उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वह उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, चुंबक का। ओके, पहला पॉइंट हो गया चुंबक का। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक का वह गुण जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे। ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या लेते हैं, चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, चुंबक जो होती है वह दो प्रकार की होती है। पहली है प्राकृतिक चुंबक और दूसरी मानव निर्मित चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और दूसरी मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक, प्राकृतिक चुंबक का जो उदाहरण है जैसे कि पृथ्वी है वह एक स्थायी चुंबक का उदाहरण है, और दूसरा हम ले लेते हैं एक फेरस ऑक्साइड Fe3O4। मानव निर्मित जो चुंबक होती है जैसे कि दो होती है, एक होती है छड़ चुंबक जिसका एक ध्रुव है N नॉर्थ पोल और दूसरा ध्रुव है साउथ पोल, और दूसरी जो छड़ होती है वो ऐसे सी रूप में होती है जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है। ओके, ये हो गया जिसके चुंबक के प्रकार। हम चौथा पॉइंट क्या लेते हैं, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, ओके, तो चुंबकीय अक्ष क्या होती है, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है वो होती है चुंबकीय अक्ष। जो एन
ध्रुव है और एस ध्रुव है, इन दोनों पे जो चुंबकत्व होता है वो सबसे सर्वाधिक पाया जाता है। तो पांचवा पॉइंट लेते हैं हम चुंबकीय यामोतर, चुंबकीय यामोतर। अब देखते हैं कि चुंबकीय यामोतर क्या होता है। चुंबकीय यामोतर क्या होता है, यदि किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबकीय अक्ष से जो समतल गुजरता है, ऊर्ध्वाधर जो समतल गुजरता है वो क्या होता है, चुंबकीय यामोतर। चुंबकीय यामोतर क्या होता है, किसी चुंबक की जो चुंबकीय अक्ष है, किसी चुंबक की जो चुंबकीय अक्ष है उससे गुजरने वाला जो समतल है ऊर्ध्वाधर वो क्या कहलाता है, चुंबकीय यामोतर। इसके आगे हम देखते हैं चुंबकीय गुण, इसके आगे हम क्या देखते हैं, चुंबकीय गुण। पहला हम देखते हैं चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। तो पहला गुण क्या है, जो चुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबकीय जो चुंबक जो होती है वो हमेशा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहला पॉइंट क्या हो जाता है, जो चुंबक जो होती है वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। यदि हम किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं चुंबक की अनुपस्थिति में तो वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। तीसरा पॉइंट क्या लेता है, जो चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं वह हमेशा युग्म में पाए जाते हैं। युग्म में कैसे, यदि हम एक छड़ चुंबक लेते हैं जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये ऐसे हो जाएगी, नॉर्थ इसका एक सिरा नॉर्थ हो जाएगा और दूसरा सिरा साउथ। तो हम तोड़ते हैं तो यह युग्म टूटने के बाद युग्म का निर्माण कर लेती है, यानी कि जो नॉर्थ पोल है इधर वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल। अगर ये साउथ है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो ये हमेशा युग्म का निर्माण कर लेती है। तो जो तो ध्रुव होते हैं वह हमेशा युग्म में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या लेते हैं हम, चौथा पॉइंट लेते हैं हम क्या लेते हैं, जो ध्रुव होते हैं वो समान ध्रुवों में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, और जो विपरीत ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण। जैसे कि हमने एक छड़ चुंबक ली जिसका एक नॉर्थ पोल हो गया एक साउथ पोल हो गया, और दूसरी ले ली हमने ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल, तो ये समान ध्रुव है तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। ओके, और जो विपरीत ध्रुव है यानी कि नॉर्थ ये साउथ, साउथ पोल और इधर ले लें हम नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी कि जो चुंबक के जो ध्रुव अगर समान है तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत है तो उनमें क्या होगा, आकर्षण। ओके, इस ये चुंबक के गुण के चार पॉइंट हो गए। आगे हम इसके क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या दे रखा है, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि कम चुंबकीय चुंबकशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता होने के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण, अधिक घनत्व होने के कारण। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। ओके, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा ठहरता है। ये हमने देखा था कि कोई भी चुंबक है, चुंबकीय जो छड़ है वो चुंबकीय अनुपस्थिति में अगर हम लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई छड़ चुंबक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, इसका थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय यानी अनुचुंबकीय जो होता है वो क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन को दर्शाता है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय। लोह जो होता है वो भी चुंबकीय होता है, हाइड्रोजन वो भी चुंबकीय, नाइट्रोजन चुंबकीय होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय,
अनुचुंबकीय। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय है, यानी कि हमें चुंबकीय नहीं बताना है, चुंबकीय बताना है। जो निखिल है वो भी क्या है, चुंबकीय। कोबाल्ट क्या है, चुंबकीय। और क्रोमियम है वो भी क्या है, चुंबकीय। ये क्या है, तांबा, वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। तो क्या हो जाएगा, विद्युत में से कौन सा विद्युत का अचुंबकीय है, तो ये हो जाएगा अचुंबकीय। ओके, तांबा जो है वो अचुंबकीय हो जाएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, स्थायी चुंबक बनाई जाती है। स्थायी चुंबक जो होती है वो हमेशा इस्पात से बनाई जाती है, या लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इनमें से ले सकते हैं। तो स्थायी चुंबक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नरम लोहा है वो हमेशा अस्थायी चुंबक का निर्माण में काम में लेते हैं, अस्थायी चुंबक बना देते हैं। अस्थायी चुंबक हमेशा नरम लोहे से बनाई जाती है, क्योंकि इनमें चुंबकत्व थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में खत्म हो जाता है। तो यह अस्थायी चुंबक हमेशा बनाई जाती है नरम लोहे से। तो ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्यों। आपने एक ट्वेल्थ में देखा होता एक टॉपिक था, एक जो नरम लोहे का तार लेते हैं उसके ऊपर हम एक तार प्लेटते हैं, उसमें अगर हम धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्युत चुंबक के नरम लोहे बनाए जाते हैं क्यों। तो क्या दे रखा है, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धाराशीलता, यह भी गलत हो जाएगा। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धाराशीलता, यह भी गलत हो जाएगा। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति व अधिक धारण क्षमता के कारण, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, ये भी हमने अभी देखा था। एक हमने छठ चुंबक ले ली, जिसका एक सिरा नॉर्थ पोल है, एक सिरा साउथ पोल है। उस चुंबक को हम दो भागों में बांट देते हैं, यानी कि उसको तोड़ देते हैं। तो ये इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा और इधर ये साउथ पोल हो जाएगा। तो ये युग्म का निर्माण कर लेते हैं, तो ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये क्या दे रखा है, यदि चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, ये सही है ऑप्शन। ये हमने देखा था कि युग्म का निर्माण कर लेते हैं अगर हम किसी छठ चुंबक को तोड़ते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो पहले जानते हैं कि चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है वो क्या कहलाती है, ध्रुव प्रारूप, ध्रुव प्रारूप क्या होता है। जैसे ये एक छठ चुंबक ले ली, और ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, इनके मध्य की जो मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, उसके चुंबकीय अक्ष। तो इनकी प्रभावी लंबाई जो होती है वो क्या कहलाती है, 2L। इनमें एक होता है चुंबकीय ध्रुव, एक इसका ये ध्रुव हो गया, एक इसका ये ध्रुव हो गया, तो दोनों को मिला के क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव है। तो चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली लंबाई तथा उनके ध्रुव प्रारूप के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि कैपिटल एम जो है ध्रुव प्रारूप इंटू उनके मध्य की प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें सूत्र याद रखना है, ध्रुव प्रारूप में अंदर चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2L। 2L क्या होते हैं, इनके दोनों ध्रुवों के मध्य की प्रभावी लंबाई। तो क्या दे रखा है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है वो हमेशा ध्रुव पे होती है, चुंबकत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा ध्रुव पे होता है, और सबसे कम कहाँ पे होता है, मध्य में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका दोनों किनारों पे, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। किसी छठ चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है वो सबसे कम मध्य भाग में होती है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा है, लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो हमें जो है वो कौन सा है, यह भी लोह चुंबकीय है, यह भी लोह चुंबकीय है, यह भी लोह चुंबकीय है,
ये जो है क्या है, लो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है, वही है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन दर्शाता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, जो थोड़ा सा ही परिवर्तन दर्शाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, डोमेन कहते हैं। परिनालिका जो होती है वो एक परिपथ होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ पूछा है ना कि चुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ है लोहा निकेल कोबाल्ट, और जो पीतल है वो क्या है, अचुंबकीय पदार्थ, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त रूप से निम्नलिखित से चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, यानी कि जो कोई छड़ को हम मुक्त रूप से, यानी कि जो सुई है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, इसके सेकंड ऑप्शन में, तो ये हमेशा जैसे कि कोई सुई है, कंपास सुई बोलते हैं उसको, तो वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है, नॉर्थ या साउथ, तो हमेशा सुई जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।